ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो क्योंकि अभी मुझे पता चला आयुष और किरण ने बताया कि कल तुम लोगों का मैथ्स का एग्जाम है और मैथ्स में तुम लोगों का मोस्टली आ रहा है सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड। उसमें मैं तुम लोगों को कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा बिकॉज उसमें आपको खुद समझना है, बट आई कैन हेल्प यू विद द मैट्रिक्स एंड रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। आई विल टेल यू सम स्मॉल ट्रिक्स, जिस ट्रिक्स की मदद से आप आराम से यू कैन डू द होल नंबर्स। ओके, जो भी नंबर आता है ये दो चैप्टर्स, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम एंड मैट्रिक्स। इफ पॉसिबल आई विल बी टेकिंग योर क्लास इन इवनिंग अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन। वो मैं शाम को इफ पॉसिबल इफ द वेदर गोज गुड तब मैं क्लास लूंगा, बट एट प्रेजेंट आई विल बी टेकिंग योर क्लास अबाउट द रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम एंड मैट्रिक्स का। जो जो ऑनलाइन नहीं आया प्लीज डू कम ऑनलाइन एंड चेक दिस वन। तो रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम होता क्या है? क्लियर? आई वांट टू टेल यू रिमाइंडर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, यू नो वेरी वेल अबाउट इट, इज द नथिंग बट द डिविजन। डिविजन में हम बचपन से तुम लोग डिविजन के ना, रिमाइंडर जो हम लोग उनका बच गया है नीचे, दैट इज व्हाट रिमाइंडर। सो चलो हम लोग फर्स्ट हम लोग करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। व्हाट रिमाइंडर थ्योरम वाला। ओके, सो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, यू विल बी फर्स्ट थिंग यू हैव टू कीप रिमेंबर इक्वेशंस। क्लियर? नाउ द इक्वेशन इज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बिग वन एंड स्मॉल इक्वेशन। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू नो, सॉल्व द स्मॉल इक्वेशन, put the value of small equation in the big equation. Second point, solve the small equation and put the value in the big equation. क्या करना है, small equation को solve करोगे उसका जो वैल्यू निकला बड़े इक्वेशन में डाल दोगे। खत्म हो गया तुम लोगों का रिमाइंडर थ्योरम, मतलब फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म। अभी चलो हम लोग डायरेक्ट देखते हैं। क्लियर? देखो, आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल में देखो दो इक्वेशंस दिया गया है। ओके, इट इज गिवन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इज डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। दो इक्वेशन दिया गया, 2x प्लस 1 छोटा वाला है, x स्क्वायर प्लस क्या 8x, सॉरी x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 वो वाला बड़ा इक्वेशन। सी इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 big equation, 2x, what it is given, 2x plus 1 is the small equation. See, I told you first find out which one is the bigger equation, which one is the smaller. Chota equation pata chal gaya, bada equation pata chal gaya. Now what you have to do, ye jo chota equation hai, I told you uska pehle solve karo. So kya karoge, 2x plus 1 is equals to 0 दे दो। 2x plus 1 इस तरफ आ गया minus 1, x is equals to minus 1 by 2। याद है multiply का divide होता है, divide का multiply बताया था। So 2x का मतलब क्या है, 2x का मतलब है 2 into x। तो 2x के साथ क्या हुआ, multiply, इस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा, divide हो जाएगा। So x का value हो गया minus 1 by 2, क्योंकि यहाँ पर प्लस वन था इस तरफ आ गया तो माइनस वन हो गया। प्लस का माइनस याद आया? ओके, सो अभी एक्स का वैल्यू कितना निकला, माइनस वन बाय टू। व्हाट डिड आई टेल यू, सॉल्व द स्मॉल इक्वेशन एंड पुट द वैल्यू इन द बिग इक्वेशन। मतलब अभी यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना निकला, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू, एक्स का वैल्यू निकला। अभी क्या करोगे, इसका वैल्यू बड़े इक्वेशन में डाल देना है। क्या करोगे, इसका वैल्यू बड़ी इक्वेशन में अभी तुम्हें डालना है। क्लियर? लेट्स डू इट देन।
ये मैं मिटाऊंगा नहीं, बिकॉज दिस आर द स्टेप्स. सो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4. तो x की जगह में माइनस 1 बाई 2 करेंगे. 8 इंटू माइनस 1 बाई 2 प्लस 4, तो इसका क्या हो गया 1 बाई 4. हाँ प्लस हो जाएगा ना माइनस माइनस. वेट, हाँ माइनस माइनस क्योंकि ये पावर 2 है, तो मैं बेसिक से करवाता हूँ. माइनस माइनस है तो प्लस हो गया 1 इंटू 1, और क्या हो गया ये 2 टू जा 4. तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1 बाई 4 प्लस. अभी देखो ये प्लस है ये माइनस है, दोनों मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस 4 प्लस 4 डन. प्लस 4 माइनस 4 कट गया, बचा कितना 1 बाई 4. देखो आंसर 1 बाई 4 है. सॉरी नहीं नहीं मैंने कैसे गलत किया. सॉरी इक्वेशन मैंने यहाँ पे प्लस दिया हो ना, इसीलिए गलत हो गया. सॉरी सॉरी सॉरी, हियर आई हैव गिवन प्लस, हियर इट्स सपोज टू बी माइनस. Yes. Now what we will do? This one minus 1 to the power square 8 into minus 1 by 2 plus 4. इसका हो गया 1 by 4. दोनों को multiply कर देने से minus minus plus 4. ये हो गया 4. Clear? इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 एलसीएम निकालो, सबका एलसीएम करने से 4, 4 को 4 से काट 1, 4 4 4 जा 4, ये 4 से डिवाइड हुआ तो 4 निकला, 4 ऊपर आ गया 4. अच्छा मैं तुम लोगों को डायरेक्ट स्टेप करके दिखाता हूँ. एलसीएम निकालो कितना हुआ 4, 4 हुआ. 4 को 4 के साथ डिवाइड कर किए तो 1 निकला, ऊपर में कितना था 1 प्लस, 1 को 4 के साथ डिवाइड किए तो 4, ऊपर में कितना है 4. क्लियर? यहाँ पे इसका भी वही. क्लियर? 1 4 4 जो 16, 4 4 जो 16 4 32 33 बाय 4, इसे हम लोग लिखेंगे 4 8 जा 32 प्लस 1 33 हो गया. आंसर इतना है. यस 8 होल 1 बाय 4 है तो ओके okay, दिख रहा है नीचे स्टूडेंट्स. लेट मी ओके सो 8 होल 1 बाय 4 दिया गया. एग्जैक्टली अभी तुम्हें पूरा यही प्रोसेस से करना है. पहले तुम्हें देखना है दो इक्वेशंस को. क्लियर? जो भी दो इक्वेशन दिया गया, कौन सा छोटा वाला इक्वेशन है, छोटा वाला इक्वेशन का वैल्यू निकालो, उसके बाद बड़े इक्वेशन में डाल दो. क्लियर? लेकिन एक छोटा सा भी ट्विस्ट है यहाँ पे. यदि तुम्हें क्वेश्चन में रिमाइंडर यदि बताया गया है, रिमाइंडर इज 1 और रिमाइंडर इज 5, सो प्लीज एक बार एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो. एग्जाम्पल नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इज गिवन. क्लियर? वहां पर भी देखो दो इक्वेशन दिया गया है. एक इक्वेशन दिया गया है ए एक्स क्यूब प्लस 9x² प्लस 4x माइनस 10. ये समझ में आया? पहले छोटा बड़ा इक्वेशन को देख लो. क्लियर? और उसके बाद छोटा का इक्वेशन को सॉल्व करो, बड़े में डाल दो. वैसे करते थे. अभी ना एक छोटा सा ट्विस्ट है, देखना पड़ेगा इक्वेशन में तुम्हें रिमाइंडर दिया गया है कि नहीं. यदि रिमाइंडर दिया गया इक्वल्स टू रिमाइंडर दे देना इफ रिमाइंडर इज गिवन. यदि नहीं दिया गया तो सिर्फ इक्वेशन ए इफ रिमाइंडर इज गिवन तो बड़ा इक्वेशन इज इक्वल्स टू रिमाइंडर का वैल्यू दे देना. चलो अभी मैं सॉल्व करता हूं क्वेश्चन नंबर 2.
सो व्हाट इज द टू इक्वेशंस आर गिवन. एक इक्वेशन दिया गया है x प्लस 3, स्मॉल इक्वेशन है. श्री ये मैं समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूं, बट यू हैव टू डू एज द स्टेप्स गिवन इन द बुक. क्लियर? मैं जस्ट समझा दे रहा हूं कि कैसे तुम इजीली कर सकते हो. बुक के हिसाब से समझाते जाओ, लाइक यू नो कंफ्यूज हो गए. सो बेटर मैं डायरेक्ट शॉर्टकट वे में बता रहा हूं, स्टेप्स बुक के जैसे ही तुम्हें करना है. व्हाट इज द बिग इक्वेशन? इट इज गिवन ax क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10. ये दिया गया है बिग इक्वेशन. सो व्हाट इज द स्टेप? फर्स्ट सॉल्व द स्मॉल इक्वेशन, उसके बाद बिग इक्वेशन ये करना है. बट देखो क्वेश्चन में दिया गया है लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5. लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5. देखो रिमाइंडर 5 दिया गया है. यस रिमाइंडर नॉट रिमाइंडर रिमाइंडर 5 दिया गया है. सो बड़ा स्मॉल इक्वेशन, बड़ा इक्वेशन, रिमाइंडर दिया गया. सो एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट यू सॉल्व द स्मॉल इक्वेशन. स्मॉल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे? x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 दे दोगे. x इज इक्वल्स टू माइनस 3. x का वैल्यू कितना निकला? माइनस 3. एज नाउ सॉल्व द स्मॉल इक्वेशन, पुट द वैल्यू इन द बिग इक्वेशन. बड़ी इक्वेशन में अभी हमें डालना है, लेकिन क्या एक्स्ट्रा दिया गया? ट्विस्ट, रिमाइंडर दिया गया. तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ा इक्वेशन लिखेंगे इज इक्वल्स टू रिमाइंडर. तो लिखते हैं क्यूब प्लस 9x प्लस 4x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5. डन. तो x का वैल्यू इधर क्या निकला था? माइनस 3. तो a माइनस 3 टू द पावर 3 माइनस 3 4 माइनस 3 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5. 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 माइनस 27 a. प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस 27. प्लस माइनस माइनस हो गया 12 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5. डन. यस आया ना? ओके. सो नाउ देखो ये चीज हमेशा याद रखना, एल्जेब्रा बेसिस में जब भी होता है कोई भी डिजिट्स के साथ अल्फाबेट यदि होता है तो वो उसी अल्फाबेट के साथ ही प्लस होता है, दूसरा के साथ नहीं होगा. बोलने का मतलब यहाँ पर सिर्फ डिजिट्स है, डिजिट्स सब याद है ना. माइनस 2 माइनस 6 बड़ा नंबर, उसका साइन दे दो, दोनों सेम नंबर है तो प्लस कर दो. ठीक उसी तरह दो दो करने से मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं. क्लियर? सबका सेम साइन है मतलब सब प्लस हो जाएगा. तो डायरेक्ट माइनस 27 ए बड़ा नंबर का साइन दे दिया, सबको प्लस कर देंगे तो हो गया 39. इसको 49 हो गया इज इक्वल्स टू 5. तो ये वाला नंबर अभी इस तरफ चला जाएगा, माइनस 27 ए 5 प्लस 49 माइनस 27 ए दोनों पे प्लस, क्योंकि ये माइनस 49 था इस तरफ आ गया तो प्लस हो गया. दोनों प्लस कर देने से कितना 54 हो गया. 54 हुआ, 27 माइनस 27 है. अभी देखो ये माइनस 27 इस तरफ जाएगा तो a इज इक्वल्स टू 27. ओके 54 बाय माइनस 27 तो 2 जा a इज इक्वल्स टू माइनस 2. क्यों? इसका इसका माइनस इनटू माइनस प्लस होता है ना, माइनस 2 जा इसीलिए 54 होता. नहीं तो यदि 27 इनटू 2 करेंगे तो माइनस 54 कटेगा. तो माइनस 54 है क्या आंसर? नहीं 54 है. अरे देखो माइनस 27 इनटू 2 करोगे तो माइनस इनटू प्लस माइनस होगा तो 54. तो आंसर हमारा माइनस 54 है क्या? नहीं नहीं, नहीं. हम लोगों का प्लस 54 इसीलिए हम लोग माइनस 27 इंटू माइनस 2 किए तो फिर निकला 54, इसलिए आंसर काटा 5 ए.
तो a का वैल्यू कितना निकला? माइनस टू. आंसर वही है, आंसर है तो माइनस टू के. आंसर टू कैसे निकला इधर इक्वेशन में? मैंने कहीं गलती किया क्या? ट्वेल्व सही है. वेट वेट वेट, सॉरी, इधर स्क्वायर था ना, नाइन के ऊपर स्क्वायर था, नाइन के ऊपर इधर स्क्वायर था, मैंने यहां पर स्क्वायर नहीं दिया, सॉरी, इसीलिए मेरा इक्वेशन गलत हुआ. देखो एक छोटा सा स्क्वायर, एक छोटा सा, ये भी तुम्हारा आंसर गलत कर सकता है. सॉरी ना, इट्स माय फॉल्ट. इसीलिए इसे भूल जाओ. क्या ये स्क्वायर था तो इधर हम लोगों को स्क्वायर लेना ही पड़ेगा. तो ये हो गया हम लोगों का माइनस 27a. ये तो देखो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होता तो वो पॉजिटिव बन जाता है. तो अभी ये हो गया प्लस 9 इंटू 9, 3 का 9 प्लस. अच्छा जैसा का अभी वैसा रखता हूं समझाने के लिए. ओके माइनस 27a प्लस 9 9 81 ना, वही तो 9 9 81 माइनस 12 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5 माइनस 27a. ये दोनों को प्लस कर दो क्योंकि दोनों में से बड़ा नंबर का साइन माइनस है, सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा. 5 माइनस 27a माइनस कर देने से 11 से 2 गया तो 9 और इधर ये आ गया 7 से 2 गया तो 54. यस 59 हो गया इज इक्वल्स टू 5 माइनस 27a. तो ये इस तरफ गया तो इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 59. देखो माइनस 27a दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा? 59 तो उसका साइन लगेगा. अब क्या हो गया 54. दोनों तरफ माइनस माइनस है तो काट दो. a इज इक्वल्स टू 54 बाय 27. अच्छा मत काटना, रहने दो वरना कंफ्यूज हो. तो ये माइनस गया हाँ कि नहीं? यहां पर माइनस माइनस कट गया 2 जा. a इज इक्वल्स टू 2. अब बोलोगे सर ये तो माइनस 2 लिखने से भी तो वही सेम है, सिर्फ माइनस का डिफरेंस है. लेट मी टेल यू, अभी 0 माइनस मतलब वाटर यदि हम लोगों का माइनस में डिग्री में जाता है तो वो फ्रीज हो जाता है, और प्लस में जाता है मतलब वो गर्म हो जाता है. सो विद दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड माइनस प्लस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है होता है. सो रैंडमली कुछ भी कैलकुलेट करके ऐसे लिख दो आंसर, वो तो माइनस का ही गैस था. व्हाई डिड आई एक्सेप्टेड माई फॉल्ट? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम लोग भी गलत ये करो. क्लियर? मेरा क्या प्रॉब्लम था देखो, यहाँ पर बस मैंने एक छोटा सा स्क्वायर नहीं लगाया जिसके वजह से पूरा आंसर ये हो गया. सो बी केयरफुल अबाउट द नंबर्स व्हाट एवर यू आर सॉल्विंग विद. सिंपल ही ट्रिक था. क्या ट्रिक था? छोटा इक्वेशन, बड़ा इक्वेशन और रिमाइंडर को देखना है. रिमाइंडर नहीं दिया गया है तो छोटा इक्वेशन का वैल्यू डायरेक्ट बड़ा इक्वेशन में डाल दो, निकल गया. रिमाइंडर दिया गया, छोटा इक्वेशन का वैल्यू बड़ा इक्वेशन में डाल दो, रिमाइंडर इक्वल्स टू रिमाइंडर का वैल्यू पुट कर दो और तुम्हारा हो गया. तो चलो यहाँ पे तुम्हारा रिमाइंडर थ्योरम अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ. फैक्टर थ्योरम, लेकिन ये एक्सरसाइज खत्म करने से पहले एक छोटा सा चीज मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ. बहुत बार ऐसा लगता है कि रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन सेम है. क्लियर? क्वेश्चन क्या है? सेम है. तो फिर तुम कैसे उसे डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन रिमाइंडर का है, कौन सा क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम का है? तुम अपना क्वेश्चन में देखना, यदि द वर्ड रिमाइंडर इज देयर तो वहां पर तुम्हारा कौन सा चलेगा? रिमाइंडर थ्योरम. और यदि फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम बता दिया, फैक्टर थ्योरम में बोलता है फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम. क्वेश्चन में देख लेना. ओके यस सर. एग्जांपल नंबर
फोर में भी देखो दो तो बड़ा बड़ा इक्वेशन दिया गया है, क्लियर? वहां पर क्या करो, छोटा इक्वेशन का वैल्यू निकालो और दोनों बड़ा इक्वेशन में वो छोटा इक्वेशन का वैल्यू डाल दो, आराम से तुम्हारा आंसर निकल जाएगा। डन? ओके, लाइक दिस हाउ यू हैव टू कंप्लीट द एग्जांपल्स एंड यू हैव टू डू द एक्सरसाइज अगेन, क्लियर? यस सर। एनी डाउट? जस्ट आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स। आई वांट यू ऑल कि सबको एक बार सब एग्जांपल्स को आराम से देख लो, यदि कोई एग्जांपल डाउट होता है देन यू कैन ड्रॉप योर डाउट, एग्जांपल नंबर जो डाउट है वो पुट कर सकते हैं और मैं तुम लोगों को बता दूंगा इंस्टेंट, उसके बाद तुम लोग आराम से एक्सरसाइज कर सकते हो। उसके बाद अभी मैं बताऊंगा फैक्टर थ्योरम। कौन क्लास अटेंड कर रहा है? मैं आई नो, प्लीज कौन क्लास अटेंड कर रहा है प्लीज राइट डाउन योर नेम। हु इज अटेंडिंग द क्लास वॉचिंग द वीडियो? टेक्स्ट मी मैसेज। जल्दी एग्जांपल्स देखो और मुझे वो नंबर बता दो, कौन सा एग्जांपल नंबर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, एंड आई विल एक्सप्लेन यू दैट। कौन देख रहे थे और क्विट करते? और आगे उल्टा वाला हां, खून देता
जिधर से जो टकराना ही था, आगे जाने से ऑटो वाले से टकराते, पीछे थे हम लोग टकरा गए एक दूसरे से, टकराना भी कन्फर्म था। अगर स्लो करते तो पीछे भी गाड़ी था, स्लो करते तो भी टकराते, स्पीड करते तो भी टकराते, दम क्या करते मेरे को कुछ नहीं आता, मैं एक्सरसाइज वाली नहीं कर सकती। कभी भी मैं सुनी था, मेरे साथ कुछ भी रॉन्ग होता था तो थोड़ा बोल देती है, रॉन्ग है मेरे को सर बताएंगे, इसको पूरा याद रहता है। हाँ मैं बताएंगे तब मैं बताऊंगी। हाँ तो ये तो बता दिया, ये चल रहे हाड़ है और ना रहा बात को लेगा। अरे वो सर थे भी सर का जो मदन सर ना पेट हो गया, पेट ही चल गया। स्लीपर का इतना गंदा है, देखो अपनी दोनों का छोड़ गया। हम लोग कौन साफ सुथरे हैं? सही बोले, रूम भी तो ऐसे ही सच है। जब से काम का ट्रेन करो बैठ है दो तीन बार मैं भी ना हूं जी, मैं तो ये कर रहा हूं। क्या बोल रहे हैं, पैर है ना, पैर में वो जरी बदल दी, समझ नहीं आ रहा। सिंपल तो है, तीन चार बार ये सब कॉल आया था। कॉल आया था? कौन कॉल किया? प्रमोद सर। यस आई एम हियर ओनली आदित्य, Aditya, I'm here only. What doubt you're having? Which number? I'm here. I gave time. Good morning, Aditya. Any number that you're having doubt from examples, you can tell. I can explain that. I gave time to have a look on the examples. Oh, you haven't attended the class while I was explaining this. Aditi, you can do one thing. Later, as like, you know, again you can log into the video. From the beginning, you can see it later. Okay. And later, if you are having any doubt with any of the examples, then you can ask me. Okay. Let me teach you factor theorem now. Okay students, so now we are done with the remainder theorem. Now we will do the factor theorem. So I told you there is no difference between remainder and factor theorem. The first thing that you need to know whether the question, because usually the question of this remainder and factor theorem mostly like to be 99% is quite similar to each other. But number 14. Okay, I'll explain. Okay. मोस्टली जो क्वेश्चन होता है ये बहुत सिमिलर होता है, तो स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो रिमाइंडर का क्वेश्चन है या फिर फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है। सो इसलिए मैंने बता दिया, आपके क्वेश्चन में ही बता दिया रहता है यदि रिमाइंडर वर्ड वहां पर मिल जाता है मतलब वहां पर रिमाइंडर थ्योरम है, यदि वहां पर फैक्टर थ्योरम बोल के लिख दिया गया तो वो फैक्टर थ्योरम है, वरना वहां पर भी बड़ा इक्वेशन छोटा इक्वेशन मिलेगा ही मिलेगा। ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट एज आयुष इज आस्किंग question number, sorry, example number 14, na? Yes, sir. Okay. Let's do it then.
Give me the book. Example number 14. अच्छा, see. Now, example number 14 में देखो कोई small equation नहीं दिया गया है, but कि बड़ा equation दिया गया है. Usually जो small equation हुआ करता था वो कैसे होता था? x plus 2 या फिर x minus 1 plus x minus 3 या x plus 4 ऐसे कुछ भी हुआ करता था. Got it? तो यहाँ पर कुछ छोटा equation दिया नहीं गया. यदि छोटा equation नहीं दिया गया तो तुम कैसे find out करोगे कि वो छोटा equation क्या होगा? On that ground, what you have to do, वहाँ पर तुम्हें क्या करना है? पहले तुम एक equation लोगे. पहले तुम एक equation लोगे. और उस equation को बड़े equation में put करके देखना. यदि उसका value zero आता है, उसका value यदि zero आता है, तो फिर वही equation is the proper equation. वही equation is the proper equation. Clear? तो एक्चुअली जो एग्जांपल नंबर 14 जो दिया गया है ना वो फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो यहां पर देखो हमारा बड़ा इक्वेशन क्या दिया गया, 2x³ + x² - 2x - 1 ये दिया गया बिग इक्वेशन. अभी छोटा इक्वेशन नहीं दिया गया है तो क्या करोगे? Let's start with x is equals to 1, x is equals to 2, x is equals to 3. X is equals to 1 मतलब क्या है? X minus 1 is equals to 0 था, इसलिए x is equals to 1 बन गया. X minus 2 is equals to 0 था, इसलिए x is equals to 2 बन गया. X minus 3 is equals to 0 था बोल के x is equals to 1. तो पहले हम लोग 1 से start करते हैं. यदि हम लोगों का value 0 नहीं आता तो फिर ये वो प्रॉपर इक्वेशन नहीं, तो हम लोग 2 को जाएंगे. 2 से नहीं होता तो 3 को जाएंगे. समझ में आया? यस. सो लेट्स डू. लेकिन और एक बात याद रखना, x is equals to 1 होके नहीं हो रहा तो x is equals to minus 1 एक बार लेना. उसमें भी नहीं होता तो फिर x is equals to 2 लेना, और उसमें नहीं होता तो x is equals to minus 2 लेके करना. तो चलो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं x is equals to 1 लेके. तो 2 x² - x³ - 2x - 1 दिया गया. तो अभी x का वैल्यू हम लोग क्या लिया है पहले? 1. तो लेट्स सी, 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 - 1. तो 1 का क्यूब हमेशा 1 ही रहेगा, इसका 1 ही रहेगा, माइनस 2 1, तो 2 + 1 - 2 - 1, तो प्लस प्लस 3 - 3 कट गया 0, मतलब x equals to 1 ही है. समझ में आया? यहां पर इक्वेशन क्या है? x - 1 = 0. क्लियर? x - 1 = 0. अभी तुम्हें यहां पर क्या करना है? फैक्टराइज करना है. क्या करना है? फैक्टराइज. ओके, फैक्टर थ्योरम में एक्चुअली फैक्टराइज होता है, इसीलिए मैंने तुम लोगों को क्या बोला, यहां पर फैक्टराइज फैक्टर थ्योरम का भी इन्वॉल्वमेंट है. अभी ये चीज ना तुम लोगों को एनी हाउ जानना है, ये पूरा दिमाग में रखो, क्योंकि जो फैक्टर थ्योरम होता है ना वहां पर तुम्हें एनी हाउ फैक्टराइज करना है. जो रिमाइंडर थ्योरम होता था, हम लोग सिर्फ x का वैल्यू निकाल के पुट कर देते थे, निकाल देते थे. रिमाइंडर में बस वही होता था, x का वैल्यू निकालो, बड़े इक्वेशन में पुट कर दो, काम खत्म. लेकिन फैक्टर थ्योरम में क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है और वैल्यू देखना पड़ता है, जीरो निकला है कि नहीं. उसके बाद हम लोगों को फैक्टराइज करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है? फैक्टराइज करना पड़ता है. अंडरस्टूड? ओके. सो अभी फैक्टराइज करने से पहले दो चीज याद रखना है. ये ना इनडायरेक्टली अभी तुम्हारा फैक्टर थ्योरम स्टार्ट हो गया. कौन सा थ्योरम? फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम स्टार्ट हो गया, रिमाइंडर थ्योरम नहीं है ये. हाँ, आई एम टेलिंग यू, ये फैक्टर थ्योरम स्टार्ट हो गया. तो हम लोग देखे, जीरो हो गया मतलब
ये नंबर, ये इक्वेशन सही है इसके साथ, इसके साथ। तो अभी क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप इज डिवाइड। पहला क्या करोगे तुम, डिवाइड करोगे। सेकंड में क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। क्या करोगे, फैक्टराइज। क्लियर, लिख लो इसे। पहले क्या करना है, फैक्टर थ्योरम में, फैक्टर थ्योरम में पहले इक्वेशन जीरो हो रहा है कि नहीं वो चेक करना है। चेक वेदर इक्वेशन गेटिंग जीरो और नॉट, पहला चेक करोगे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप, दिस इज द थर्ड स्टेप। याद रखो, चेक वेदर इक्वेशन इज गेटिंग जीरो और नॉट। तो इक्वेशन कैसे जीरो हो रहा है, एक्स का वैल्यू डायरेक्ट हम लोग यहां पर पुट कर देंगे, निकाल देते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में क्या, कुछ भी निकल जाता था लेकिन जीरो नहीं निकलता था। फैक्टर थ्योरम में जीरो निकलना जरूरी है। यदि वो जीरो नहीं निकलता है, कुछ दूसरा नंबर निकल जाता है, तो तुम बोलोगे दिस नंबर कैनॉट बी फैक्टराइज, दिस नंबर कैनॉट बी फैक्टराइज। क्लियर, तो पहले तुम देखना है जीरो निकालना है। देखो ये रिमाइंडर थ्योरम में दिया गया है, एग्जाम्पल रिमाइंडर थ्योरम का है। तो तुम गलती से मेरे से ना पिटाई खाओगे तुम लोग, सच्ची में। मैं पढ़ा रहा हूँ रिमाइंडर थ्योरम, सॉरी आदित्य, ये लोग क्वेश्चन एग्जांपल नंबर पूछे हैं फैक्टर थ्योरम से। अभी चलो कोई नहीं, फैक्टर थ्योरम मुझे वैसे ही पढ़ाना था तो मैं बताता हूँ। पहले तुम्हें क्या करना है, छोटा इक्वेशन बड़ा इक्वेशन देखना है। नहीं दिया गया तो ऐसे करोगे, दिया गया तो बहुत अच्छी बात है, बड़े इक्वेशन में पुट कर लोगे और देखना वैल्यू जीरो निकल रहा है कि नहीं। जीरो निकलता है तो डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद फैक्टराइज करना पड़ेगा। यदि जीरो नहीं निकलता है, सिंपल लिख दोगे द इक्वेशन, द इक्वेशन कैन नॉट बी फैक्टराइज, बस इतना लिखना। स्टेप याद आया, रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते थे, फिर से मैं बता रहा हूं, छोटा इक्वेशन और बड़ा इक्वेशन लिया जाता था। छोटा इक्वेशन का वैल्यू निकाल के बड़े इक्वेशन में सिर्फ डाल देते थे, काम खत्म, और वहां पर और कुछ झोल झपट नहीं था। फैक्टर थ्योरम में क्या करना है, छोटा इक्वेशन बड़ा इक्वेशन दोनों दिया गया रहता है। क्लियर, तो वो छोटा इक्वेशन को, छोटा इक्वेशन का वैल्यू निकालो, बड़े इक्वेशन में डालो, देखो जीरो निकल रहा है कि नहीं। अब यदि नहीं दिया गया छोटा इक्वेशन, तो ऐसे करोगे x is equals to 1, x is equals to minus 1, x is equals to 2, x is equals to minus 2, देखना सीरियल जाना, यदि निकल रहा है तो हो गया। क्लियर, अभी क्या करोगे, निकल गया, नहीं निकल रहा है तो डायरेक्ट लिख दोगे द इक्वेशन कैन नॉट बी फैक्टराइज, वहां पर तुम्हारा खत्म। अब यदि इक्वेशन यदि तुम्हारा जीरो बन गया, उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट स्टेप जीरो निकालना, जीरो निकल गया, उसके बाद क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड। अभी ध्यान से देखो, बहुत सारे बच्चे इस डिवीजन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये इक्वेशन को डिवाइड कैसे करना है। क्लियर, तो अभी मैं तुम लोगों को डिवीजन सिखाऊंगा, ध्यान से देखो कैसे डिवाइड करोगे। व्हाट इज द बिग इक्वेशन हियर, छोटा इक्वेशन क्या निकला, x is equals to 1 मतलब x minus 1 is equals to 0। तो चलो अभी हम लोग डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे ध्यान से देखो, किसे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 2x cube plus x square minus 2x minus 1। छोटा नंबर क्या है, x माइनस वन, अभी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर, किरण बाद में उतारना, पहले आराम से देखो। अभी हम लोगों को ऐसा लेना है जैसे कि हमारा आउटकम 2x क्यूब होना चाहिए। ठीक
क्लियर, एक ऐसा नंबर लेंगे जिसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को सिर्फ याद रखो, 1 को भूल जाओ, x के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब होना चाहिए, क्लियर। तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब होना होगा, x के साथ यदि x मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है, लेकिन हम लोगों का x क्यूब है तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, x के साथ x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया x क्यूब। चलो x क्यूब वाला केस खत्म हो गया, बचा है 2, बचा है 2, तो 2 भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग x के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, 2x क्यूब बन गया। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर, समझ में आया, 2x स्क्वायर यदि हम लोग लिखे हैं इसका मतलब है 2x स्क्वायर x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2x स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो 2x क्यूब बन गया, समझ में आए। अभी वही 2x स्क्वायर माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो माइनस 2x स्क्वायर हो गया, समझ में आया, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमेशा हमारा फोकस होना चाहिए फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके इसको कैसे हमें हटाना है, जो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हम लोग इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई किया। आप देखो बहुत बार इसमें थोड़ा बहुत, क्योंकि जूनियर क्लासेस में था तुम लोगों का, यहां पर देखो यहां पर प्लस है कुछ नहीं मतलब प्लस है तो हम लोग लिख देंगे माइनस, यहां पर कौन सा साइन है माइनस है तो हम लोग लिख देंगे प्लस, अभी 2x क्यूब से माइनस 2x क्यूब कर दे तो जीरो कट गया, अभी ये माइनस को मत देखना प्लस को देखना, 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है तो कितना हो गया 3x स्क्वायर बन गया। अभी ये वाला नीचे उतर रहा है क्या माइनस 2x, अभी मैंने क्या बोला हमेशा आगे का नंबर देखना है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर होगा रोज ना 2 नहीं 3x, 2 करेंगे तो इंटू 2x करेंगे तो क्या हुआ 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर है क्या नहीं, क्या है 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे 3x, क्या लिखेंगे 3x प्लस है ये भी आगे प्लस है तो हम लोग यहां पर प्लस 2x कर दिए, सॉरी 3x इंटू x करने से हो गया 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, 3x का 3x हो गया। अभी फिर से यहां पर कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस है तो क्या कर देंगे यहां पर माइनस, यहां पर माइनस है तो हम लोग क्या कर देंगे प्लस, देखो प्लस और माइनस हो गया मतलब कैंसल, माइनस और प्लस हो गया मतलब सिर्फ बचा 1x जिसे हम लोग सिर्फ x भी लिख सकते हैं, क्लियर, 1x भी लिखो या फिर x लिखो वही सेम बराबर, क्लियर। अब ये वाला नीचे उतर आ जाएगा माइनस 1, तो अभी x के साथ क्या ऐसा मल्टीप्लाई करोगे तो 1x होगा, 1 यहां पर प्लस है यहां पर भी प्लस है तो हम लोगों को प्लस 1 लेना पड़ेगा, तो देखो 1x प्लस माइनस पूरा कट गया 0, तो इक्वेशन क्या निकला 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। स्टेप्स क्या था मुझे ना स्टेप के हिसाब से पढ़ाना था बट मन लग रहा जूता उठा के दिख रही लोगों को, पहले देखोगे जीरो है कि नहीं, सेकंड में क्या करना है जीरो हो जा रहा है तो फिर डिवाइड करना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या करोगे
डिवाइड, सेकंड स्टेप क्या करोगे डिवाइड। तो जो भी ऊपर में क्वेश्चन निकला उसको हम लोग क्या करेंगे इसके साथ फैक्टराइज करेंगे। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, फैक्टराइज। क्या करना है फैक्टराइज। डिवाइड समझ में आया? यस सर। आया सबको? यस सर। किरण आया? आ गया? यस सर। अच्छी, चलो फैक्टराइज समझ में आया। आदित्य यदि कुछ डाउट है डिवीजन में तो एक बार देख लो, पूछो क्या है, उसके बाद मैं बताऊंगा फैक्टराइज कैसे करना है। Yes, it is only used, no doubt, na? Okay. Who is the other person watching? Who is the other person watching? May I know your name? Thakur. Good morning. Any doubt, Thakur? Good morning, Thakur. Okay, if you haven't understood it, फिर से वीडियो को स्टार्टिंग से देख लो, आराम से समझ जाओगे। मैं ऑलरेडी रिमाइंडर थ्योरम समझा चुका हूं, अभी मैं फैक्टर थ्योरम बता रहा हूं। ओके, सो सी, डिविजन वाला खत्म हो गया, डिवाइड कर लिए। पहले हम लोग चेक किए, जीरो निकला, जीरो निकला तभी हम लोग डिवाइड की तरफ बढ़ेंगे। यदि जीरो नहीं निकला तो फिर हम लोग बोलेंगे दिस इक्वेशन कैनॉट बी फैक्टराइज। सिंपली यही लिखना है, क्लियर। जीरो निकल गया मतलब डिवाइड करना है, ऐसे डिवाइड करना है। अभी हम लोग फैक्टराइज करेंगे, किसे फैक्टराइज करेंगे, इक्वेशन को। अभी कैसे फैक्टराइज करेंगे देखो, इसका स्टेप्स है, अभी यहां पर मिटा रहा हूं। अभी हम लोग फैक्टराइज करेंगे, अभी नाउ वी विल डू द फैक्टराइजेशन। व्हाट वाज द फर्स्ट इक्वेशन गिवन, ये इक्वेशन था, तो लिखेंगे 2x³ + x² - 2x - 1 = 2, इसे इनटू दिस, यहां पर जगह नहीं हो रहा, आई एम राइटिंग हियर, x - 1 होल, ये वैल्यू जो डिवाइड करके निकाले, 2x² + 3x + 1, क्लियर। अभी फैक्टराइज करेंगे, ये इक्वेशन इज इक्वल्स टू दिस मच इनटू दिस मच, ये क्या है बताओ। देखो 10 को डिवाइड करना है, 2 5 जा 10, तो हम लोग अभी 10 का वैल्यू हम लोग 2 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ 10 का वैल्यू अभी हम लोग 2 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं। एग्जैक्टली यहां पर ये मान लो 10 का वैल्यू 2 डिवाइड किया था 5। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, हम लोग चीजों को स्प्लिट करते हैं और छोटा छोटा करते हैं। तो चलो मैंने यहां पर 10 का एग्जांपल दे दिया, लेट्स टेक इट 16 और लेट्स टेक इट 12, 2 6 = 12, डन। मतलब हम लोग अभी 12 को फैक्टराइज करना है, 12 = 2 × 6। अभी 2 का फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, 2 को और छोटा नहीं कर, 6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3। अभी किया ना 3 और 6 को 2 × 3 किए, ठीक उसी तरह ये बड़ा इक्वेशन को हमेशा याद रखना, जब ये पॉलिनोमियल हो जाता है, पॉलिनोमियल मतलब 2 से ज्यादा, पॉलिनोमियल तभी हम लोग उसे फैक्टराइज करते हैं। 2 है तो उसे फैक्टराइज करने का जरूरत नहीं है। देखो 1 2 3, 3 है तो फैक्टराइज करेंगे, सिर्फ 2 होता, ये 2 होता तो
इज इक्वल्स टू फैक्टराइज इज इक्वल्स टू इतना ही लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते. अंडरस्टूड? तीन हो गया तो अभी हम लोगों को फैक्टराइज करना पड़ेगा. कैसे करना पड़ेगा? ये जैसा का वैसा ही रहेगा, जैसा का वैसा ही रहेगा. अभी इसका क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन आता सबको? ऑल यू नो डाउट. हाँ, स्मॉल नंबर को इक्वेशन ये करने के लिए ये बहुत एक्सेप्शनल है आदित्य. इट इज वेरी एक्सेप्शनल कि ऐसे होता है कि स्मॉल इक्वेशन नहीं देता, बट इन मोस्ट केसेस स्मॉल इक्वेशन दे देता है. और सपोज इन केस स्मॉल इक्वेशन नहीं दिया गया है, सो फर्स्ट यू हैव टू स्टार्ट विद x इक्वल्स टू 1 या फिर x इक्वल्स टू माइनस 1, x इक्वल्स टू 2 या फिर x इक्वल्स टू माइनस 2 लेना पड़ता है बहुत एक्सेप्शनल केसेस में. क्लियर? और एल्स इफ यू टर्न एट द एक्सरसाइज इन मैक्सिमम केसेस द इक्वेशन इज गिवन देयर स्मॉल इक्वेशन. ओके, नाउ ऑल यू नो फैक्टराइजेशन. ठाकुर यू नो हाउ टू डू फैक्टराइज? आदित्य यू नो हाउ टू डू फैक्टराइज? आदित्य एंड ठाकुर डू यू नो टू डू द फैक्टराइजेशन? फैक्टराइजेशन करने आता है कि नहीं? ओके, ठाकुर यू नो कैसे फैक्टराइजेशन किया जाता है? तुम लोगों को भी वीडियो सेंड कर दूंगा. हाँ ओके, चलो नो प्रॉब्लम. देखो फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है मैं बताता हूं, ध्यान से देखो. हाँ मैं ये इसे फिर से ये कराऊंगा, स्टेप बताऊंगा. फैक्टराइजेशन हमेशा, इवन यहां पर भी आयुष को पता है फैक्टराइजेशन. थोड़ा करोगे तो किरण को नहीं पता, रोज को भी नहीं पता. ध्यान से देखो, 2x square plus 3x plus 1 ऐसे दिया गया. फैक्टराइजेशन का मतलब इसे ना स्प्लिट करना है. क्या करना है? इसे स्प्लिट करना है. तो कैसे करोगे? एक ऐसा नंबर लोगे, इसे किसे स्प्लिट करना है? 3x को स्प्लिट करना है. ओके, 3x को स्प्लिट करना है. तो 3x को स्प्लिट करना है तो कैसे स्प्लिट करोगे? एक ऐसा नंबर लोगे जिसे मल्टीप्लाई करने से, ओके, प्लस माइनस करने से 3x होना चाहिए. देखो कंफ्यूजन आ जा रहा है कि ऐसे क्या नंबर लेंगे, क्या मल्टीप्लाई, क्या क्या बोल रहे हैं सर. मैं बता रहा हूं, बहुत सिंपल बताता हूं. क्या करोगे ना, ये आगे जो नंबर होता है 2, पीछे जो नंबर होता है 1, ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो. निकला कितना? 2. क्लियर? ये फॉर्मूला है. हाँ, फॉर्मूला मतलब ये मेरा खुद का इन्वेंशन है. तो फिर ये मत सोचो कि सर एक फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं. क्या है? 2 है. क्लियर? कितना निकला? आगे का नंबर. कोई भी ऐसा नंबर दे दिया ना तुम्हें फैक्टराइज करो बोलने से, हमेशा याद रखना आगे का नंबर जो दिया गया है और लास्ट में जो नंबर दिया, दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो. मल्टीप्लाई कर दिए, निकला कितना? 2. टू निकलने के बाद अभी देखना, एक ऐसा नंबर लेना जिसे मल्टीप्लाई करने से 2 होना चाहिए. क्या क्या मल्टीप्लाई करने से 2 होता है? 1 2 जा 2 2 1 जा 2. और कोई नंबर है क्या ऐसा मल्टीप्लाई करने से 2 होता है? नहीं. तो चलो ये दोनों दे दिया, इन दोनों में से किसी एक को भी हम लोग ले लेंगे. इसका और एक एग्जाम्पल मैं बताऊंगा. हाँ, फैक्टराइजेशन का जैसे सपोज फॉर एन एग्जाम्पल 16 हो जाता है. सपोज मान लो कितना हो गया? 16. आगे और पीछे का नंबर को मल्टीप्लाई किए, 16 निकला. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्या क्या मल्टीप्लाई करने से 16 होता है अभी हम लोग देखेंगे. 4 × 4, 8 × 2, 2 × 8 और कुछ होता है? 16 × 1 = 16. और कुछ होगा? 116. हाँ, ये तो बहुत अच्छा वाला बोला बात. 116 × 16 लगता. तो अभी देखो यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया
इतना तो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 16 निकलता है, ठीक। उसी तरह यहां पर हमें पता चल गया इतना तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 2 निकलता है। तो यहां पे क्या करना है, तुम्हें वो नंबर्स को देखना है। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं ना, एक दूसरा ये सर नंबर्स को देखना है, ये दो नंबर्स को प्लस या फिर माइनस करने से 3 होना चाहिए, मिडिल वाला नंबर होना चाहिए। ये मैंने सिर्फ एग्जांपल बताया। जैसे अभी देखो यहां में से ये इतना सारा सिर्फ 2 ही निकला, ये दोनों में से किसी एक नंबर को पिक करेंगे, जैसे कि प्लस माइनस करने से 3 होना चाहिए, हो रहा है कि नहीं? 2 और 1 को भी प्लस करो तो फिर 3 हो रहा है, माइनस करने से नहीं हो रहा है। क्लियर, समझ में आया? तो ये मेरा बताने वाला था, क्लियर। ये वाला भूल जाओ, बोल ठीक। उसी तरह कितना निकला, 2, तो 2x square 2 और 1 को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होता है, लेकिन प्लस करने से 3 हो रहा है। 1 और 2 को भी मल्टीप्लाई करने से 2 होता है, प्लस करने से, ये दोनों में से किसी एक को भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग क्या कर देंगे, 2x प्लस 1x प्लस 1 कर देंगे, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1x कर देंगे। देखो दोनों को प्लस करने से 3 हो रहा है, मल्टीप्लाई करने से 2 हो जा रहा है। मैं और एक सॉल्यूशन करूंगा तुम लोगों के लिए। तो क्या हो गया, अपना ग्रुपिंग बना देना। ये दोनों में कॉमन क्या है, 2 और x है, तो 2x कॉमन निकाल दो, बाहर क्या बचा, अंदर क्या बचा, 2x। ये दोनों में से कॉमन क्या है, 1, x प्लस 1, ये दोनों का एक सेट बन जाएगा, ये जो बच गया इसका एक सेट बन जाएगा, खत्म। x प्लस 1, 2x प्लस 1, आंसर देखो वही है, x प्लस 1, 2x प्लस 1, और पहले से तो ये था, x माइनस 1 दिया गया है, x प्लस 1, 2x प्लस 1। चलो अभी मैं और एक नंबर तुम लोगों के लिए फैक्टराइज करूंगा। और एक डाउट, यस अगेन आई विल सॉल्व वन क्वेश्चन फॉर यू आदित्य। आई नो विथ वन नंबर इट इज नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, अगेन आई विल सॉल्व अनादर इक्वेशन, ओके, विथ दैट यू कैन अंडरस्टैंड। चलो I will solve equation, एक हार्ड वाला देते हैं। देखो एग्जाम्पल नंबर 12, हैव अ लुक ऑन एग्जाम्पल नंबर 12। जो क्वेश्चन है ना वो 2 सिर्फ निकला है, 3x प्लस 1, इसलिए उसे फैक्टराइज करने का जरूरत नहीं पड़ा। लेट मी ओके सी, I am taking example number 15 में देखो तो example number 15, have a look in example number 15, मिटा रहा हूं ये, have a look example number 15, example number 15 में देखो equation जब divide किये ना तो हम लोगों का ऊपर में कोसाइन निकला एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45। अभी हम लोगों को बोल रहे फैक्टराइज करो, किसका फैक्टराइज करो, एक्स क्यूब, अरे बाबा रे, प्लस 13x स्क्वायर प्लस 31x माइनस 45 को फैक्टराइज करो। कैसे फैक्टराइज करो, जिसे डिवाइड किए थे वो पहले लिख लिए, उसके बाद लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 45। डन। अब
अभी देखो मैं बोल रहा था फैक्टराइजेशन के बारे में, ये वाला जैसा का वैसा पूरा नीचे उतरता जाएगा। अभी हमें इसे फैक्टराइज करना है। देखो अभी मैं क्या बोला था, जब भी ऐसे होता है ना, मैं क्या बोला, आगे का नंबर और पीछे का नंबर को मल्टीप्लाई करो। इसके आगे कुछ नहीं मतलब वन है, इसके आगे कुछ नहीं मतलब वन और 45 को मल्टीप्लाई करो। कितना हो रहा है, 145 जा 45। नाउ अब कौन कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करने से 45 होता है, 95 जा 95 जा 45, 59 जा 45, और है और नहीं है 3 3 15 into 3 equals to 45, और 3 into 15 भी 45 हो रहा है। यस क्लियर। 45 वन जा 45 ऑलरेडी हो चुका है, तो ऐसे रिपीट करने का कोई जरूरत नहीं। अभी देखो 15 और 3 वाला केस, इसका एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिटा दे रहा हूं, क्योंकि इसको भी इसको उसको भी वही सेम ना। 15 और 3 को प्लस या फिर माइनस करने से क्या 14 होगा? देखो प्लस कर देने से 15 और 3 को प्लस करेंगे तो 18 हो जा रहा है, माइनस कर दे रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, 12 हो रहा है। तो होगा नहीं, 1 और 45 को प्लस कर देने से 46 नहीं हो रहा, माइनस कर देने से 44 नहीं हो रहा, तो ये भी रिजेक्ट है। 9 और 15 को माइनस करेंगे तो हो रहा है नहीं, क्योंकि 4 निकल रहा है, प्लस करने से 14 हो रहा है। हाँ तो हम लोग इसे लेंगे, समझ में आए? तो हम लोग उसे क्या करना है, प्लस करना, ये दोनों को प्लस करेंगे ताकि 14x होगा। तो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5x प्लस 45, देखो ये दोनों को प्लस करने से 14x हो रहा है। तो ऐसे क्यों आदि जो समझ में आया कैसे हुआ? क्लियर। देखो इतना सारा ऑप्शन था, देखो कौन सा ए को प्लस या फिर माइनस करने से ये हो रहा है। हो गया, अभी ग्रुपिंग कर दो, इसका ग्रुप कर दो, इसका ग्रुप कर दो, ये दोनों में से, ये दोनों में से कॉमन क्या है, एक्स है, एक्स प्लस 9 करते हैं, ये दोनों में से कॉमन क्या है 5, मतलब ऐसे करना है कि ये जितना है वहां पर भी उतना होना चाहिए, प्लस 5 कर लेना, एक्स 9 जा 45, 5x 59 जा 45, डन। तो ये दोनों को अलग निकालते हैं, x प्लस 9 एक हो गया, x प्लस 5 एक था, और पहले हम लोगों का यहां पर क्या था, x माइनस 1। अंडरस्टूड, फैक्टराइज हो गया इसका, इसे सिर्फ बदल में उतारते जाओगे, समझ में आया? आदित्य, आदित्य अंडरस्टूड? ठाकुर अंडरस्टूड? सी There is no specific answer. Aditya, which one is answer among three? Let me tell you. In factorization, in factor theorem, what you have to do? First, check the equation if it's coming zero or not. यदि zero आ रहा है, so you will do
डिवीजन इक्वेशन को डिवाइड करोगे, डिवाइड करने के बाद जो ऊपर में बच जाता है ना, ये वाला ऊपर में जो आता है और ये वाला, ये दोनों को क्या करोगे, फैक्टराइज करोगे। बस दिस थ्री स्टेप्स आर द आंसर। अंडरस्टूड आदित्य? और यदि स्टार्टिंग में ही आंसर तुम लोगों का जीरो नहीं निकल रहा है, इट कैन नॉट बी सिंपल, वो लिख देना। डन। और यहां पर देखो पॉलीनोमियल होना चाहिए, जैसे कुछ ऐसे हुआ, ऐसे एक दो तीन, ऐसे तीन तो डिजिट होगा तभी फैक्टराइज करना। जैसे एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल जो दिया गया वहां पर सिर्फ दो तो डिजिट था, सिर्फ ऐसे दो तो डिजिट, तो उसे फैक्टराइज करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वो इक्वेशन लिख देना x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, सिर्फ इतना लिख देना फैक्टराइजेशन में, और उसे फैक्टराइजेशन करने का जरूरत नहीं है। जब तीन हो जाता है ना, जैसे ऐसे यहां पे तीन हुआ, तभी उसे फैक्टराइज कर देना। समझ में आदित्य? डन। तुम लोगों का भी हो गया? कोई कंफ्यूजन? ओके, लेटर इन इवनिंग और आई विल टेल यू द टाइम, उस टाइम में मैं तुम लोगों को मैट्रिसेस भी करवाऊंगा, एट ए टाइम दो चैप्टर करवाऊंगा, सो यू विल गेट कंफ्यूज, इसलिए लेटर इन इवनिंग मैं तुम लोगों को मैट्रिसेस भी करवाऊंगा। एट व्हाट टाइम आई विल डू योर मैट्रिस, कितना टाइम हुआ है अभी? अभी कितना हो रहा है? 11 ना? ओके, तो फिर मैं आज, टुडे इज फ्राइडे, आई हैव टू टेक क्लास, हां 11:09 ना? ओके ओके देन स्टूडेंट्स, लेटर आई गेस इन एट व्हाट टाइम, 12 बजे मेरे क्लास, 12th का क्लास है, I'll take a class at okay, I will let you know, please be on Facebook or WhatsApp, मैं एनी मोमेंट में ले सकता हूँ, बिकॉज अभी तक मैंने क्लास अरेंज नहीं किया है। 12th का क्लास है, देन आफ्टर 9th का क्लासेस है, देन आफ्टर माय ट्यूशन क्लासेस आर आल्सो देयर, सो आई विल लेट यू नो। ओके, सो टिल देन आई विल गिव यू सफिशिएंट टाइम। अभी मैं चाहता हूँ पूरा सब, ये दोनों रिमाइंडर फैक्टर का पूरा एग्जाम्पल्स को अच्छे से देख देख के करो, कुछ भी डाउट होता है जो भी नंबर, तुम लोग मुझे फोटो क्लिक करके भेज सकते हो। ओके, विद दिस आई एम वाइंडिंग अप टुडेस क्लास, मे गॉड ब्लेस यू, और होप सबको समझ में आया। थैंक यू आदित्य, सच्ची में अच्छा लगा समझाना, ग्रेट एक्सप्लेनेशन। ओके, थैंक यू आदित्य, थैंक यू ठाकुर फॉर एक्नॉलेजिंग माय एक्सप्लेनेशन। लुकिंग फॉरवर्ड कि कब मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकली बैठा के करवाऊं ये नंबर। ओके देन आई विल लेट यू नो द टाइम।